मैंने अब तक 240 से ज़्यादा वीडियोस करी होंगी, लेकिन मेरी अब तक की जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड वीडियो रही है वो यही रही है। तो प्लीज़ एक अकेले बंदे ने पूरी वीडियो बनाई है, एक अप्रिशिएट देना तो बनता है भाई। लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। यह है पार्ट टू इस वीडियो का, और हाँ होपफुली आपने पार्ट वन देख लिया होगा मैं आशा करता हूँ। और अगर नहीं देखा है यहाँ ऊपर की तरफ मैं पार्ट वन दे देता हूँ, जाकर पहले वो देख लो फिर इस वीडियो पे स्विच करना। तो हम कर रहे हैं स्कूटी के साथ रैपिंग। कहानी उस खूनी खेल की ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं उसका एक वीडियो। हम ये पूरी रैप स्कूटी के ऊपर कर रहे हैं, जितने भी मैकेनिकल काम थे वो हमारे हो चुके हैं। पूरी की पूरी स्कूटी को किसी बड़ी चीज़ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से धोऊंगा और उसके बाद जितने भी डर्ट पार्टिकल हैं उन्हें निकालूंगा। चले चलते हैं। टायर पॉलिशिंग और डैशबोर्ड के लिए मैं यूज़ करूँगा इसे।
दोस्तों अपनी सहूलियत को देखते हुए मैंने तो इसे लगा दिया, लेकिन मैं अब बात करना चाहूँगा क्या आपको इस चीज़ को करना चाहिए या नहीं। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। इस पूरी स्कूटी को रैप करते वक्त मैंने फेस करें क्या चीज़ अच्छी रही क्या चीज़ बुरी रही इसे करने के बाद। स्कूटी रैप करने का मतलब है एक बहुत सारा टाइम कंज्यूम करना, तो कम से कम मैंने तो कुछ मैकेनिकल फॉल्ट्स भी रिजॉल्व करे थे। अगर उन्हें सब्सट्रैक्ट कर दूं मिनिमम एक दिन लग जाता है, और मैं जैसे कि मेरा ये रोज़ का काम नहीं है, मैं एक काइंड ऑफ अनट्रेंड आदमी हूँ, तो एक अनट्रेंड आदमी के लिए पहली बार रैप करने का मतलब है एक या दो बार फिल्म को ख़राब भी कर रहा। सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ था कि जो फिल्म थी वो ख़राब हुई थी, वो भी फ्रंट की जो चेस्ट वाला हेड होता है वहाँ की, बट जो भी था मैंने उसे हटा कर दूसरे पोर्शन पर यूज़ कर ली। दूसरा ये मुझे समझने में काफ़ी देर लगी कि ये जो इस तरीके की फिल्म है ये सिर्फ पानी से लगेगी या फिर इसके अंदर हीट भी यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर ऐसा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर पानी और हीट यूज़ करना पड़ेगा, साबुन यूज़ करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो उन सब को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है। अब वो मिथ क्या है, अगर आप बहुत सारा साबुन यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिल्म चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं तो एक आइडल बंदा था, अकेला करने वाला, आपके साथ में कोई नहीं है, ना कैमरा भी आपको ही शूट करना है और करना भी आपको ही है, मैं सिर्फ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, अगर आपका इन फ्यूचर शॉप खोलने का प्लान ना हो तो इस काम को बिल्कुल मत करना, बाहर जाकर करवा लो, बहुत सारा टाइम बचेगा भाई। और अगर मेरी तरह थोड़ा बहुत खुराफाती हो तो ज़रूर कर लेना। इस रैप को मैं उस टाइम लेकर आ गया था जब मैंने सेंट्रो की छत रूफ करी थी। ये श्री गिरिराज एंटरप्राइज अभिषेक से अच्छी बात हो गई ना भाई से, अब मैं स्मोक लेने आया। फोन करो और दुखी करो इन्हें। ये रहे भाई अभिषेक, ये ली हमने 1.5 मीटर, हमने 1.5 कर ली 100 की, ये री गिरिजा एंटरप्राइज। तो कह सकता हूँ मेरा एक काफ़ी टाइम से प्लान था कि पूरी स्कूटी को ट्रांसपेरेंट एंड लेमिनेशन वाली PPF कोटिंग वाली रैप करने का। PPF कोटिंग जो 3M की होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आती है। जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, लाइक BMW ऑडी है तो पैसा होगा ही भाई, तो वो तो 3M की PPF कोटिंग ही करवाते हैं। और करवाओ, फिर कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे कि भाई ये 1 साल बाद ख़राब हो जाएगी, 6 महीने बाद ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 3M की रैप जैसी चढ़ती है वैसी उतर जाती है। मैंने बेसिकली रिसर्च करके ही मैं इस चीज़ को ख़रीद के लाया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोलने वाले होंगे मे बी कि भाई 5-6 महीने में ये पिघल गया तो जुड़ जाएगी या तो बहुत गंदे तरीके से निशान छोड़ जाएगी एंड ऑल, बट मैं कहना चाहूँगा मैं ये चीज़ें बताकर लाया था, अगर इन फ्यूचर मुझे कोई नुकसान होता है तो कोई बात नहीं यार, भुगत लेंगे, लेकिन 6 महीने भी अगर ये ढंग से चल जाती है तब भी मेरे लिए काफ़ी है। बाकी कहना चाहूँगा इसे लगाने के बाद मैंने एक चीज़ जो अच्छी नोटिस करी वो ये, मुझे इसके ऊपर पॉलिश वगैरह कोई अलग तरीके की कोटिंग कोई भी रबिंग या मतलब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ साफ़ करा, चढ़ा दिया और उसके बाद मैंने स्कूटी जब धोई मैं एज इट इज़ कपड़ा मार के यहाँ ले आया और शाइन इसकी बहुत अच्छी है। लेकिन जो कमी मेरे से रह गई, क्योंकि देखो भाई मैं अनट्रेंड आदमी हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, हाईली प्रोफेशनल जिसका रोज़ का काम रैपिंग करने का हो, लेकिन कहानी ये है मेरी इच्छा थी कि मैं स्कूटी को खुद करूँ। भाई अपनी चीज़ होती है ना तो उस पर कोई किसी पन्नी को छुड़ा नहीं सकता। तो कहानी ये है, इसलिए मैं चाहता था इसकी पूरी रैपिंग मैं खुद करूँ। देने को तो बाहर दुकान पर दे के करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक पॉइंट और डिस्कस करूँगा, अगर आप नए हो तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए, काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है, उसके बाद आपको कहीं समझ आता है कि आपको बेस्ट है इसमें पानी का इस्तेमाल करो और थोड़ी सी हीट मार के काम करते जाओ तो कम बबल आएंगे। साथ में अगर कोई इंसान है आपके हीट गन या जैसे कि मैं तो यूजली हेयर ड्रायर यूज़ करता हूँ तो वो पकड़ा दो, ये काम बहुत ही ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिव वे में हो जाएगा। कह सकता हूँ लैक ऑफ रिसोर्सेज और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, फिर भी जो भी था मैंने सीखा विखा करा, छोटे छोटे से बबल्स कहीं ना कहीं रह गए हैं, स्कूटी के ऊपर नज़र नहीं आते, और अगर बहुत ज़्यादा ही करीब से अगर आप जाते तो आपको कहीं स्कूटी के ऊपर बबल नज़र आएंगे। और कहना चाहूँगा जो इसकी साइड्स है, मोस्ट ऑफ द साइड्स जो है मैंने टेप करी है, जैसे कि मैंने नीचे की तरफ यहाँ इस पोर्शन में, इधर पोर्शन में, ये पूरे में मैंने टेप लगाई है अलग से ब्लैक कलर की, ताकि ये टेप ना छूटे नहीं। यहाँ के जो इंडिकेटर है मैंने ब्लैक करे हैं, और मेरे पास जो एक्सेसरी की किट थी वो ये वाली और ये वाली, ये मैंने वापसी लगा दी है, ये पूरी की पूरी एक्सेसरीज़ की किट मेरे लॉगो वगैरह के ऊपर ही मैंने इसको पेस्ट कर दिए, तो अब ये लॉगो कभी छूट नहीं सकते इस पे से, मतलब अनटिल अनलेस मैं इस पूरी फिल्म को फाड़ के ना निकालूँ। राइनॉक्स का जो स्टिकर ही आया था
बाय द वे जिन्हें ना पता हो उन्हें मैं बताना चाहूंगा, राइनॉक्स ने मेरे को एक जैकेट भेजी थी, तो राइनॉक्स का स्टिकर भी मैंने यहाँ लगा दिया है। ये जुपिटर वाला पोर्शन मैंने इसमें से कट करके बाहर निकाल दिया है। पीछे ये वाली एक्सेसरी का पार्ट यहाँ लगा दिया, ये पूरी स्मोक कर दी ब्लैक करके, ये पोर्शन मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है। अब आपका क्या काम बनता है, आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है स्कूटी कैसी लग रही है, इन सेंस ऑफ अगर ये पीपीएफ कोटिंग भी हटा दो ओवरऑल स्कूटी कैसी लग रही है भाई, ये जरूर बताना, बहुत मेहनत लगी है। एक एक पार्ट पे मैंने डैशबोर्ड पॉलिश और साथ में एक सबसे बेस्ट क्रीम वैक्स है जो मैं काफी साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ वो यूज करी है, तो फॉर्मूला 1 की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और डैशबोर्ड पॉलिश आप या तो कार की यूज कर लो या फिर मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। आपका काम बनता है आप कमेंट करके बताना जरूर कि स्कूटी एक्चुअली में कैसी लग रही है। एक चीज और, ये वाला जो मोबाइल माउंटर है हाईली रिकमेंड करूंगा मैं आपको, इस टाइप का मोबाइल माउंटर ही खरीदिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ले सकते हैं। और बाकी कहना चाहूंगा इसकी अच्छाई ये है इसको आप टेढ़ा आड़ा सीधा हर तरीके से मोड़ सकते हैं। इस सब के बाद मैंने स्कूटी के ऊपर डैशबोर्ड पॉलिश करी है, इस पोर्शन पे और जितने भी डार्क साइड के पोर्शन है वहाँ पर। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस काम ने मेरी कमर तोड़ दी, मेरे ये हाथ है हीट लग के दर्द होते हैं अभी भी, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कमर टूट गई। तो भाई कहना चाहूँगा जिन लोगों के पास टाइम ना हो तो टेफ्लॉन करवा लो, और बाकी अगर मेरी तरह हो या थोड़े प्रोफेशनल हो तो फिर ये वाली फिल्म चढ़ा लेना, ये आपकी इच्छा है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, और करोल बाग से मैं लेकर आया था, 600 रुपये की मुझे पड़ी थी पूरी की पूरी, और पूरी स्कूटी पे लग गई, ओवरऑल थोड़ी बहुत बची है। कुछ पोर्शन और थे स्कूटी के, जैसे कि ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन भी मैंने ब्लैक कर दिए। अब मेरी ऑलमोस्ट पूरी स्कूटी रैप हो रखी है, पूरी की पूरी स्कूटी, चाहे वो ब्लैक हो। तो आप कमेंट करके बताना अब ये ब्लैक बीस्ट कैसी दिख रही है। बाकी इंजन वगैरह की डिटेलिंग साफ करने का काम बहुत ढंग से करा है मैंने बड़े दिनों बाद, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, स्कूटी साफ सुथरी सी लग रही है। बाकी फ्यूचर में बताऊंगा अगर इसकी चमक जाएगी या फिर ये किसी तरीके की छुटने लगेगी। तो मेरे फ्रेंड ने सेम टाइम पर टेफ्लॉन कराई है और मैंने यहाँ पर अपनी फिल्म चढ़ाई है, तो दोनों सेम टाइम पे ही अपना बता पाएंगे। हो सकता है महीने भर बाद उसकी टेफ्लॉन कोटिंग उतर जाए या प्रॉब्लम करे कुछ और हो, इन फ्यूचर हम दोनों सेम टाइम पर बता सकेंगे कि एक्चुअली में क्या ज़्यादा वर्थ है। एज ऑफ नाउ तो मैं बताना चाहूँगा दोनों ही चीज़ें अच्छी है, लेकिन कहना चाहूंगा ये आपकी इच्छा है, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि मैं ये चाहता था स्क्रैचेस जितने भी हैं वो सब मुझे जो परेशान करते हैं बार बार कपड़ा मारने की आदत है, स्कूटी गंदी होती है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ से फारिग हूँ। तो एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लगा इसे धोने के बाद मैंने सूखा कपड़ा मारा और स्कूटी एकदम चमक गई, एक्चुअली मैं यही चाहता था। मैंने अब तक 240 से ज़्यादा वीडियोस करी होंगी, लेकिन मेरी अब तक की जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड वीडियो रही है वो यही रही है। तो प्लीज़ एक अकेले बंदे ने पूरी वीडियो बनाई है, एक अप्रिशिएट देना तो बनता है भाई, लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो के अंदर कुछ अच्छा लगा हो तो। बाकी ठीक है, और वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।